हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। इस चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव माइनिंग सरदार, ओवरमैन या फिर लेजिस्लेशन पार्ट ऑफ एमटी एग्जाम पे फोकस करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जीटी एग्जाम्स में पूछे जाने वाला सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। वैसे तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में अधिकतर देखा गया है कि स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। जीटी एग्जाम्स देने के बाद तो उनको लगता है कि उनका आंसर सही है और वे पास कर जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वे पास नहीं हो पाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को रिवील करते हैं। ये क्वेश्चन है, फ्लेम सेफ्टी लैम्प से कितनी गैसों की जाँच कर सकते हैं। इसका सही आंसर मैं वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगा, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि स्टूडेंट इसका आंसर देने में कहां पर गलती कर बैठते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ स्टूडेंट ऐसे देते हैं, फ्लेम सेफ्टी लैम्प से तीन गैस की जांच कर सकते हैं, ऑक्सीजन, फायर डैम्प और ब्लैक डैम्प। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह दिया तो आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। फ्लेम सेफ्टी लैम्प से सिर्फ और सिर्फ गर्म गैस की जांच की जा सकती है, इससे ऑक्सीजन और ब्लैक डैम की जांच नहीं की जा सकती। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कुछ इस तरह दीजिएगा, फ्लेम सेफ्टी लैम्प से सिर्फ और सिर्फ गर्म गैस की जांच की जा सकती है, इसके अलावा फ्लेम सेफ्टी लैम्प से ऑक्सीजन की कमी और ब्लैक डैम की मौजूदगी का भी पता लगाया जा सकता है। आई होप जितने भी सारे कन्फ्यूजन थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारे के सारे इरेडिकेट हो चुके होंगे और ऐसी गलती आप एग्जामिनेशंस में नहीं करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। यदि कोई क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक / माइनिंग टेक्निकल। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।